Question number 1 of exercise 1.4 will be discussed. The concept related to this question is explained in the previous video. You can watch that video to get a better understanding of the concepts. Let's see this question. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Long division ko perform ke bina हमें बताना है कि गिवन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सपोज एक्स इज अ रेशनल नंबर, इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू यहाँ पे को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? जिनका एचसीएफ वन होता है। ओके, तो अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो 2 की पावर्स की फॉर्म में या 5 की पावर्स की फॉर्म में या फिर 2 और 5 दोनों की पावर्स की फॉर्म में आए, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस वन बाय वन। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। 13 अपॉन 3125। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। देयर एचसीएफ शुड बी वन। ये किसी कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहा है, सो दे आर को प्राइम नंबर्स। नाउ सेकंड स्टेप इज वी हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। दिस वी हैव डन हियर, सो वी कैन राइट 13 अपॉन 3125 को वी कैन राइट 5 रेज पावर 5। 5 यहां पे 5 टाइम्स आया, सो वी हैव रिटन इट इन दिस वे। ओके, नाउ वी नो अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स हो, 5 की पावर्स हो या दोनों की पावर्स हो, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट 17 अपॉन 8। अगेन दे आर को प्राइम नंबर्स, ये किसी कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहा। नाउ वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। दिस इज डन हियर, सो वी कैन राइट 17 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। अगेन डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स है, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट 64 अपॉन 455। दे बोथ आर को प्राइम नंबर्स। नाउ वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455। इट इज डन हेयर। नाउ वी कैन राइट 455 एज 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन 5 के साथ अदर नंबर्स भी आ रहे हैं, दैट इज 7 एंड 13, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट 15 अपॉन 1600। नाउ दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये 5 से कट हो जाएंगे। 5 थ्री इज 15, देन 5 थ्री इज 15, 1 इधर गया, 5 टू जर 10 एंड अ 0, सो इट इज 3 अपॉन 320। नाउ दे आर को प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम अपना अगला स्टेप करेंगे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 320। वी हैव डन इट हियर, सो वी कैन राइट 3 अपॉन 2, कितने टाइम्स आया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सो वी विल राइट 2 रेज टू द पावर 6 इनटू 5 इज 1 टाइम 5। ओके, नाउ वी हैव गॉट पावर्स ऑफ 2 एज वेल एज 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट 29 अपॉन 343। दे आर को प्राइम नंबर्स, देयर एचसीएफ इज 1। नाउ वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343।
From here we can write 343 as 7 raised to the power 3. Okay. Now you can clearly see that there is a power of 7 in the denominator. So it is a non-terminating repeating decimal expansion. Next part. 23 upon 2 cube into 5 square. Now clearly here we have the powers of 2 and 5. Since denominator is of the form 2 raised power n into 5 raised power m, so it has terminating decimal expansion. Okay. Now seventh part. Now see the next part. 129 upon 2 square into 5 raised power 7 into 7 raised power 5. यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 और 5 की पावर्स प्रेजेंट है पर उनके साथ 7 की पावर भी प्रेजेंट है, इसलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. सो वी कैन राइट सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज पावर n into 5 रेज पावर m, so it has non-terminating repeating decimal expansion. Eighth part, 6 upon 15. They are not co-primes. पहले इन्हें कट करेंगे, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15. It is equals to 2 upon 5. Now 5 की prime factorization में 5 और 1 ही होता है, so no need to do its prime factorization. Now we can clearly see that we have 5 in the denominator, so it has terminating decimal expansion. Ninth part, 35 upon 50. 5 से कट हो जाएंगे, 5 7 से 35 and 5 10 से 50. It is equal to 7 upon 10. अब हम 10 की prime factorization करेंगे. From here we can write 10 as 2 into 5. Now we have 2 and 5 in the denominator, so it has terminating decimal expansion. Now we will do the last part of this question, 77 upon 210. Ye 7 se kat ho jayega, 7 11 is 77 and 7 3 is 21 and a 0. It is equal to 11 upon 30. अब हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. वी कैन राइट 30 एज 2 इंटू 3 इंटू 5. फ्रॉम हेयर वी हैव डन इट. नाउ वी हैव 2 एंड 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन बट वी ऑल्सो हैव 3, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन.